इसे करना चाहिए अगर रुख करें कमोडिटी बाजार की तरफ। तो कमोडिटी बाजार में सबसे पहले आपसे एग्री कमोडिटीज के ऊपर राय जानना चाहूंगा, सोयाबीन के ऊपर, क्योंकि सोयाबीन अब एक ऐसी कमोडिटी बन चुकी है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। हर किसान जानना चाहता है कि कर्नल अजय जी की क्या राय है कि सोयाबीन में अभी रोक के चला जाए अपनी फसल को, अपने स्टॉक को, या निकाल के चला जाए। सोयाबीन में आगे तेजी रहेगी या मंदी रहेगी? जो लेवल्स हैं हाजिर के और वायदा के, वो कहाँ तक जाएंगे? कर्नल अजय जी, हमारे पास भी आपके लिए काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं। जितनी भी बार आपने सोयाबीन पर अपनी राय दी है वो सत्य साबित हुई है, अब यहाँ से आगे क्या? देखिए अखिलेश जी, सबसे पहले तो मैं हमारे सभी दर्शक बंधु और कारोबारी जो हैं, एक किसान बंधु हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो प्यार सम्मान और आशीर्वाद हमें दिया है, उसके लिए मैं अब अखिलेश जी की तरफ से और मेरे स्वयं की तरफ से आप सभी का धन्यवाद प्रेषित करता हूं। देखिए, सोयाबीन के ऊपर मैंने हमेशा से, इसलिए एक बात हमेशा से समझ लें कि सोयाबीन की तेजी और सोयाबीन की मंदी में भारत के किसी भी व्यक्ति का रोल नहीं है जी, ना किसानों का है और ना सरकार का है। अब बड़ा प्रश्न यह है कि फिर रोल किसका है, क्योंकि किसान ने उत्पादन किया, 119 लाख टन की बात हुई जिसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा, लेकिन कुल मिला के तेजी मंदी का जिम्मेदार कौन है? तो इसके लिए बिल्कुल निश्चित और क्लियर आंसर यही है कि अंतरराष्ट्रीय भावों के अंदर उतार चढ़ाव का पूरा असर भारतीय बाजारों पर पड़ेगा। गौरतलब है कि भारत लगभग 55%, यानी भारत सिर्फ 45% खाद्य तेलों का उत्पादन करता है, चाहे वो मूंगफली हो, चाहे सरसों हो, चाहे सोयाबीन हो, या और कोई ऑयल सीड हो। 55% आयात पर निर्भर है भारत। अब जब 55% आयात पर निर्भर है भारत, तो सोयाबीन की तेजी और मंदी का कोई मतलब नहीं निकलता कि हमारे आंकड़े क्या कहते हैं और हमारे आंकड़े क्या नहीं कहते हैं। एक दूसरी चीज, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर सोयाबीन की तेजी, पाम ऑयल की तेजी, या पाम ऑयल की मंदी, या सोयाबीन की मंदी का पूरा असर तुरंत भारतीय बाजारों पर पड़ता है जी। एक दूसरा बिंदु जो आप समझ लें, सबसे महत्वपूर्ण जो है कि यदि दिसंबर के आंकड़े देख लें, नवंबर के आंकड़े देख लें, जनवरी के आंकड़े देख लें, तो दिसंबर के अंदर हमेशा से ही वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा देखी जाती है। ये हमारे यहां नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर भी आप पिछले 10-12-15 साल के यदि आंकड़े निकाल लें, उनके उतार चढ़ाव को देख लें, तो दिसंबर माह के अंदर हमेशा से ही अत्यधिक वॉलेटिलिटी रहती है। और एक और मैं बिंदु ऐड करता हूं सोयाबीन की तेजी और मंदी के लिए, आप भारतीय रुपया की तेजी मंदी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भी इन बाजारों को तेजी मंदी में फर्क डालती है। अब होता क्या है कि जो भी पेमेंट होना है इंपोर्ट का, वो सारा पेमेंट डॉलर में होना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ डॉलर यानी यूएसडी के अंदर। भारतीय रुपया कमजोर, माल तेलों पे फर्क पड़ेगा, इंपोर्ट पे फर्क पड़ेगा। भारतीय रुपया मजबूत, इंपोर्ट के ऊपर फर्क पड़ेगा। यदि पिछले 3 दिन से यदि आप देख लें अखिलेश जी के, जिसका मैंने आपको याद होगा 2 से 3 दिन पहले भारतीय रुपया की जानकारी इसलिए मैंने दर्शकों को दी थी ताकि एक इशारा दिया था, भारतीय रुपया पिछले 75.65 रुपए के खिलाफ 76.30 रुपए, 76.35 रुपए तक की गिरावट दिखाई दी, यानी लगभग 50 से 60 पैसे की गिरावट यानी कमजोरी भारतीय रुपया में अमरीकी के डॉलर के मुकाबले देखी गई। और इसका असर जो आया वो कल आपको बाजारों में और आज नजर आ रहा है। तो जब जैसे जैसे रुपया कमजोर होगा अमरीकी डॉलर के खिलाफ, वो भी एक प्रमुख बिंदु माना जाता है प्राइसिंग निकालने के लिए। तो ये 3-4 बिंदु को यदि आप ध्यान से देखेंगे
तो वो सकारात्मक रुख सोयाबीन की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आज मुझे सोयाबीन के अंदर और सोया ऑयल के अंदर एक तेजी नजर आ रही है। अभी सोया ऑयल के ऊपर भी एक कदम आगे चल के हम विश्लेषण कर लें तो पिछले कई महीनों से लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोया ऑयल सोयाबीन की तो तेजी हो गई थी, लेकिन सोया ऑयल के अंदर यदि हम देखें तो यदि हम लोग 3-4 दिसंबर से देख लें और आज 16 दिसंबर है, तो 3-4 दिसंबर को 1980 का भाव यदि आपने एनसीडीएक्स पे देखा हो तो 1980 का 3 तारीख का भाव है 3 दिसंबर का, आप देख लें। और वो 1980 का जो भाव था वो बढ़कर 2032 हुआ इन दिनों, और 2032 को जैसे ही वो टच हुआ, मतलब 1980 से 2032 के बीच में लगभग ये 25% की तेजी थी, और उसके बाद में 2032 का जब सोया ऑयल टच हुआ एनसीडीएक्स के ऊपर, उसके बाद फिर मंदी बनी, और वो मंदी लगभग 25% जो 3 दिसंबर से और जो बनी थी 7-8 दिसंबर के आसपास तक, वो उसके बाद में धीरे धीरे मंदी में परिवर्तन हुई। जो 25% की तेजी थी वो 25% की मंदी में बदल गई। और आप देखें कि यदि कल जो सोयाबीन में कई दो दिन के अंदर जो सोया ऑयल के अंदर जो बेताशा मंदी बनी एकदम से, कि 2000 का लेवल तोड़ते ये 1980 और 1960 और ये जो 1955 तक ये एकदम से टूटा, तो ये जो 25% का तेजी और मंदी का गैप था वो जैसे ही वो लोअर भाव में आया 25% ऊपर से 2032 से जो सोया ऑयल 25% गिरावट आई और वहां से तुरंत उसने बाउंस बैक किया और अब फिर ये मजबूती आ गया। तो ये 25% का जो ब्रैकेट जो है टेक्निकल जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ सोया ऑयल के जो कारोबारी है, क्योंकि ये इस शो को सोया ऑयल के प्लांटर जो प्लांट से डिलीवरी ले रहे हैं दे रहे हैं उन वो भी बहुत बारीकी से देखते हैं, और काफी ये हमारे पास रिक्वेस्ट भी आई कि सर सोया ऑयल के ऊपर आप थोड़ी सी चर्चा करें, ये कोई भी इसके ऊपर चर्चा किसी भी जगह नहीं हो रही है कि 25% की तेजी के बाद भी कोई चैनल इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है, या 25% की गिरावट के आने के बाद भी सोया ऑयल के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए ये मैं मार्केट टाइम्स के दर्शकों के लिए एक विशेष एपिसोड बने, ये हमारी धारणा है, ये हमारी भावना है, और इसका फायदा किसानों को भी मिले, मिल ऑनर्स को भी मिले, प्लांट चलाने वालों को मिले, क्योंकि जब तक सब हम एक साथ नहीं कमाएंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है किसी भी शो का। तो सोया ऑयल की जो मूवमेंट बन रही है वो 25% की ऊपर की रैली और 25% नीचे की रैली की जो बन रही है, और मुझे लगता है कि अब इसके अंदर सोया ऑयल के अंदर मजबूती की संभावनाएं बन सकती हैं आज। जी अखिलेश जी। जी, तो यानी कि सोयाबीन में तो कर्नल अजय जी तेजी की तरफ है ही है, प्लस सोया तेल में भी कर्नल अजय जी तेजी की ही तरफ है, जैसा कि उन्होंने अभी इसका विश्लेषण भी किया है।